हेलो गाइज, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो कैसन हो सब लोग, मजा में हो? मजे में ही रहना, अदरवाइज सजा में तो सब रहते हैं, हम भी सजा ही भुगत रहे हैं जिंदगी जीने की। तो अभी 9 बज रहे हैं और आज इतनी जल्दी उठने का कारण ये है, आज ना मम्मी की चप्पल पड़ी है न दोस्तों की गालियाँ, आज में सेल्फ मोटिवेशन आया है अंदर से उठने का कि उठो और कुछ करो। चल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानी। तो गाइस आज मैंने सोचा कि ट्रेडिंग करते हैं, वो होता नहीं है स्टॉक मार्केट, तो उसी में आज हम भी घुस गए थोड़ा सा। अभी एक शेयर खरीदा है, मतलब जानते ही भैया भी पैसा वैसा है नहीं, गरीब आदमी हूँ, तो एक ही शेयर से काम चलाना पड़ रहा है गुरु। तो एक शेयर खरीदा है, देखते हैं आज कितना प्रॉफिट देता है। और उसके बाद आज एक बहुत बेहतरीन प्लान है, हमारी अम्मा ने कहा है कि आज हम बेल का शरबत पिलाएंगे तुमको। आज का टॉपिक जो है वो है बेल का शरबत, जो ट्रेडिंग वाला टॉपिक है वो किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो कंटेंट होना चाहिए ना डेली दिखाने के लिए, हैं? अब ऐसा थोड़ी ना गुरु कि आज ही हम सबको दिखा दें, कल को तुम कहो नया कंटेंट लेकर के आओ, क्या भाई उल्टा सुल्टा पुराना दुराना जा रहे हो, है ना? वो चीज़ नहीं चाहता मैं। तो गुरु अब मैं जा रहा हूँ ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग करके उठूँगा फिर पीऊँगा बेल का शरबत। जब मेरी मम्मी बेल का शरबत बनाएंगी तब आपको मिलाते हैं मम्मी से। ओके ओके, गिव मी फ्यू सेकंड्स। 2000 इयर्स लेटर। गाइज ट्रेडिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, आज का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। एक जो शेयर हमने लिया था उस पर 28 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो भैया समय हो गया है बेल का शरबत ढकोलने का, तो चलो पहले चलते हैं अपनी अम्मा के पास जहाँ वो शरबत बना रही हैं। और चेयर हमारी अम्मा, ये देखो, और ये बन रहा है तरबत, ये देखा। वैसे तो ये कहा जाता है कि लोग, बहुत लोग कहते हैं, बहुत ज्ञान बताते हैं कि बेल का शरबत पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये होता है वैसा, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि बेल का शरबत बहुत गुणकारी होता है, अगर आप उसको पीते हैं तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, जिंदगी भर मस्त रहेंगे। तो भैया डेली ढकोलो, हम तो कह रहे हैं गर्मी का टाइम है ना, मजा भी बहुत आता है और आनंद तो पूछो नहीं भाई। What? तो गुरु ऐसा है, जैसे बनता है ढका ढक ढकोल लेंगे, दो गिलास तो पियेंगे ही, कम से कम चाहिए होगा, तो हमारे कभी हवेली पे पिलाते हैं, हवेली ज्यादा बोल दी है, झोपड़ी पे आओ, गरीब आदमी हूँ मैं, ठीक है? ओके। A few moments later. लगता है बेल का शरबत तैयार हो गया है और हमारी अम्मा हमको बुला रही है, तो हम जा रहे हैं। बन गया? ये रहा बेल का शरबत। तो सुनो गुरु ऐसा है, देखो जो हम आउट ऐसे करते हैं ना, उसका मतलब ये मत समझना कुछ गलत है। बात यह है गुरु, गर्मी बहुत पड़ रही है, इतनी पड़ रही है कि हमारे अंदर का खून सूख जा रहा, तो फिर होठ कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा है, हम शरबत पीने चल रहे हैं और आप लोग के आसपास जो भी कुछ हो, पानी हो, जूस हो, जो भी हो, अपने आप को हाइड्रेट रखो भैया, क्योंकि है गर्मी, नहीं हाइड्रेट रखोगे तो सूख जाओगे। वाला एडवर्टाइजमेंट देखे हो ना, ऊपर से सूरज भगवान पाइप लगा के चूसर चूसर करके पूरा चूस लेते हैं, तो वो नौबत ना आए इसके लिए करते रहो और बी हैप्पी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर ठोंक देना भाई, नहीं तो बेल का शरबत नहीं पिलाएंगे, बता दे रहे हैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। टाटा।